गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गैस्ट्रोपेरेसिस यह एक पेट की बीमारी है, पेट विकार है, और इसमें पेट के सब लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मचलाना, पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, वजन कम हो जाना, पेट ऐसा फुला फुला सा लगना, टाइटनेस होना, ढकार आना, नीचे से गैसेस पास होना, बहुत ज़्यादा पेट फूलने से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करना, एसिडिटी, ऊपर ऊपर आना जाना, ऐसे काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोपेरेसिस में पेट मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन, इसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है, और मूवमेंट स्लो होने से अन्नपचन नहीं होता, जो खाया हुआ जो अनाज है वो आगे आगे नहीं धकेला जाता, और फिर ये सब प्रॉब्लम होते रहते हैं। इसका कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। एक तो क्या है कि वेगस नर्व जो रहती है अंदर, तो उसको यदि डैमेज हो गया, कोई ऑपरेशन चालू है, स्टमक का ऑपरेशन है, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन है, या कोई भी पेट का ऑपरेशन है और उसमें वेगस नर्व को डैमेज हो गया तो हो सकता है। डायबिटीज मेलिटस में होता है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड का कम चलन, पेट में सूजन इन्फेक्शन की वजह से होता है, इन्फेक्शन हो गया पेट में, तो पार्किंसंस डिजीज, ये सभी कारण होते हैं कि जिसकी वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। अकोला में सन्मित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र, यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत फ्री, विनामूल्य, मुफ्त ये पेट के विकारों का इलाज किया जाता है। आपको सिर्फ लाना है केशरी कार्ड, पीला कार्ड। आपको ऑपरेशंस भी यहाँ मुफ्त होते हैं, शस्त्रक्रिया भी मुफ्त की जाती है, और एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी मतलब जो भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन लगते हैं वो, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत आपका पूरा खर्चा जो है वो शासन उठाती है। तो इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। यदि गैस्ट्रोपेरेसिस हुआ, इसका कारण और भी हो सकता है कि जैसा लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस है, पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियास की बीमारी है, उसमें भी ये हो सकता है। तो ये सभी बीमारियों के लिए आप आ सकते हैं हॉस्पिटल में, सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, नीचे नंबर दिए हुए। इसमें इलाज क्या करना है, इसमें इलाज ये है कि भाई इसके लिए दवाइयाँ लो। आज अच्छी अच्छी मेडिसिन उपलब्ध है, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो जो हमको एलर्जी है, जो फूड खाने से ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो नहीं खाना चाहिए, तला हुआ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए, फैटी फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, एरेटेड ड्रिंक्स जो है कोका कोला टाइप और स्ट्रॉ के साथ में जो हम पीते हैं तो स्ट्रॉ अवॉइड करना चाहिए, नींद अच्छी होना जरूरी है, और ज़्यादा हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना, रेस्ट, आराम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक साथ न खाते हुए उसको 4-5 में डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। फिर ज़्यादा हार्ड डाइट जो है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, वो डालना पड़ेगा, और पूरा जो अच्छा खासा जिसको पूरा कुक किया हुआ है, ऐसा कुक फूड खाना है, कच्चा जो है वो नहीं खाने का है। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाओ, सब्जियाँ खाते हैं तो उससे बहुत अच्छा होगा। और फिर इंटेस्टिनल मूवमेंट्स करने वाली जो दवाइयाँ आती है, जिसमें डॉमपेरिडॉन है, ऐसी दवाइयाँ वो आप ले सकते हैं, सिज़ाप्राइड, डॉमपेरिडॉन, ये दवाइयाँ जिससे पेट आगे मतलब पेट जो है उसका जो पेरेसिस हुआ है वो आगे आगे फूड को धकेलेगा, तो ये हम करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्कोहल और तंबाकू बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, चाय अवॉइड करना चाहिए। आपको इसके बारे में इलाज करना है तो ज़रूर सन्मित्र मानस हॉस्पिटल में आइएगा, आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। इसका और एक कारण जो होता है, एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसके वजह से भी ये जो गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है, मतलब मूवमेंट होती नहीं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, उससे क्या होता है, उससे सेरोटोनिन लेवल कम हो जाती है ब्रेन की और पेट की, और प्रॉब्लम आते हैं। तो एंटी डिप्रेशंस दवाइयाँ जो है वो भी काम में आती है, तनाव कम करना, स्ट्रेस कम करना, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो, ये सब कुछ नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं। तो यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपका इलाज हो जाएगा। मुफ्त में इलाज करना है तो जरूर हमें संपर्क कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।